वाटर बोर्ड को प्राइवेट करने वाला टोला नाकाम हो गया। सिंध असम्बली से मंजूरी हासिल किए बगैर वाटर बोर्ड नौ तश्कील बोर्ड गैर कानूनी करार दे दिया गया, जबकि वाटर बोर्ड के मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। कराची वाटर बोर्ड को प्राइवेट करने वाले मंसूबे को खाक में मिला दिया गया। वजीर आला सिंध ने कराची वाटर एंड सेवी बोर्ड के हवाले से फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। 22 नवंबर को नए तश्कील पाने वाले अक्सरियती प्राइवेट मेंबरान बोर्ड का इजलास आरजी चेयरमैन वजीर बल्दियात और आरजी एमडी वाटर बोर्ड ने तलब किया। इजलास में कोई एजेंडा मंजूर ना हो सका। जराए के मुताबिक माहिर कानून बैरिस्टर अब्दुल सत्तार पीरजादा ने वाटर बोर्ड के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को सामने रखते हुए बताया कि इजलास में होने वाले फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं, जबकि चीफ सेक्रेटरी के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक वजीर बल्दियात और एमडी वाटर बोर्ड को फारिग करने का इख्तियार नए बोर्ड के पास होगा और बोर्ड के लिए नए चेयरमैन और एमडी की जगह सीईओ का इंतखाब किया जाएगा। नदीम सिद्दीकी, M7 सिटी न्यूज़, कराची।